एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं पूनम राजपूत और आज मैं आप लोगों के लिए एक प्रोडक्ट लेके आई हूं जिसका मैं रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं। ये है रोज़ पेटल्स पाउडर, जो रोज़ की जो गुलाब की पंखुड़ियों का जो पाउडर होता है जब हमारे पास नेचुरल रोज़ नहीं होते, जब हमें पेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। ये बहुत सारे DIY में यूज़ होता है, आपके फेस के लिए बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ होता है। तो ये है बायो ऑर्गेनिक रोज़ पेटल्स पाउडर, ऑर्गेनिक रोज़ा इंडिका। तो ये है बायो ऑर्गेनिक का रोज़ पेटल्स पाउडर। तो एक्चुअली क्या होता है, अगर आपके पास नेचुरल रोज़ होते हैं तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं DIY के लिए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स स्किन की दूर करने के लिए। लेकिन अगर आपके पास नहीं होते तो ये पाउडर आता है जो ईजिली आपको मार्केट में मिल जाता है। तो ये काफ़ी अच्छी इंडस वैली के नाम से आपको ये फ्लिपकार्ट अमेजोन हर जगह पे मिल जाते हैं, बहुत ही अच्छी ब्रांड है। तो इसका ही मैंने मंगाया है जिसका रिव्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले बात करूंगी, ये 100 ग्राम है और इसके प्राइस की मैं बात करूं तो इस पर 199 लिखा हुआ है, लेकिन ये मुझे 150 के अराउंड पड़ा। इस पर ऑफर चलते रहते हैं तो ये छूट के साथ मिलता है, वैसे इसका प्राइस 199 है 100 ग्राम का। इसमें लिखा हुआ है माइक्रोफाइन पाउडर, नो एडिड केमिकल, 100% प्योर, ट्रिपल सिफ्टेड और है 100% बायो। तो ये ऑर्गेनिक है, तो देखते हैं इसका किस टाइप से है अंदर। बाकी इधर इसके ये मिले हुए हैं कि इसमें और चीज़ें भी आती हैं इस ब्रांड की, एलोवेरा और एक्टिवेटेड चारकोल और मुल्तानी मिट्टी, लेमन पील, नीम, मतलब सारी चीज़ें इसकी आती हैं बायो ऑर्गेनिक की। तो अब इसको इस पे बॉक्स पे और कुछ नहीं लिखा हुआ, मैं इसको ओपन करके आप लोगों को दिखाती हूँ। तो इस टाइप की पैकेजिंग में आता है और इसके अंदर आपको ये इस टाइप से रोज़ पेटल्स पाउडर मिल जाता है। ये पाउडर होता है और ये इस टाइप से, ये 100 ग्राम है और इस पे ये स्टिकर लगा हुआ है, आप देख सकते हो, रोज़ पेटल्स पाउडर, ऑर्गेनिक रोज़ पेटल्स पाउडर। तो ये मिलता है और इसके अंदर आपको मिल जाती है इसकी इंस्ट्रक्शंस बुक की, किस टाइप से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इस पर यही लिखा हुआ है, इसका नाम लिखा हुआ है DIY डू इट योरसेल्फ। तो ये DIY यानी डू इट योरसेल्फ, अपने आप से आप इसको यूज़ कर सकते हैं और अपनी स्किन को बहुत अच्छा बना सकते हैं, ऐसा इस पर लिखा हुआ है। इसके ऑयल्स भी आते हैं बायो ऑर्गेनिक के, नेचुरल। और इस पे बाकी ये लिखा हुआ है कि इसको आप कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसके साथ आपको कैसे कैसे मतलब रेसिपी बना के आप अपने फेस को अच्छा बना सकते हैं। तो ये इसमें लिखा हुआ है 4 टीस्पून ऑफ रोज़ पेटल पाउडर, 2 टीस्पून ऑफ वाटर, 2 टीस्पून ऑफ मिल्क, 4 टीस्पून ऑफ मिल्क, 4 ड्रॉप्स ऑफ कैस्टर ऑयल, मेक अ मिक्सचर, स्टोर इन अ ग्लास जार, मिक्स वेल बिफोर यूज़, अप्लाई इट एवरी evenly on your face and exposed parts, allow to it to dry and wash it off thoroughly with fresh water। तो इस पर 3-4 ऐसी वो लिखी हुई हैं स्किन, जैसे नेचुरल फेस क्लिनजर, इससे आप फेस क्लिनजर बना सकते हैं इस टाइप से। नीचे लिखा हुआ है स्किन रिफ्रेशिंग मास्क, अगर आप अपनी स्किन आपकी डल लग रही है, आपको फ्रेश नहीं फील हो रहा है तो रिफ्रेश करने के लिए आप एक बना सकते हैं, इसमें भी लिखा हुआ है और इस किस तरह से बना सकते हैं। और स्किन स्मूदनिंग फेस पैक, तो अलग अलग 3 पैक इसमें आपको लिखे हुए मिल रहे हैं कि 3 पैक आप किस किस तरह से बना सकते हैं। और भी बहुत सारी DIYs हैं जो आप इससे बना सकते हैं और मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, इसीलिए मैंने मंगाया है। मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ और आपके साथ बहुत सारे DIYs शेयर करने वाली हूँ स्किन ब्राइटनिंग के लिए, स्किन वाइटनिंग के लिए, और स्किन अगर आपकी डल हो गई है उसके लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए अलग अलग चीज़ों में आप इसको यूज़ करके लगा सकते हैं। तो बहुत सारे DIYs मैं इसके साथ आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अब मैं इसको आपको ओपन करके दिखा देती हूँ कि ये ओपन करके किस टाइप का है, किस टाइप का पाउडर आपको मिलता है। तो स्मेल की मैं बात करूँ तो सच में रोज़ पेटल वाली स्मेल इसमें आ रही है और मैं आपको पाउडर निकाल के दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का ये पाउडर है, बहुत बारीक है, बहुत ज़्यादा, आप देख सकते हो इस टाइप से, तो काफ़ी अच्छा है। स्मेल इसमें सच में रोज़ पेटल की आ रही है और अगर आप एक अच्छा रोज़ पेटल पाउडर ढूंढ रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छा है।
ऑर्गेनिक है और स्मेल से और इस चीज़ से बाकी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इसके साथ मैं आपको बहुत सारी DIYs भी शेयर करने वाली हूँ आपके फेस की हर प्रॉब्लम के लिए, आप इसको यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा आपकी स्किन के लिए होता है। तो अगर आपके पास भी नेचुरल रोज़ नहीं है तो आप यूज़ करना चाहते हो तो ये आप मंगा के रख सकते हैं और कभी भी इसको यूज़ कर सकते हैं। रोज़ का होता है कि लाने की प्रॉब्लम होती है और घर पे नहीं होता तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है DIY बनाने में, तो आपकी जितनी भी स्किन प्रॉब्लम्स है उनके लिए अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो काफ़ी अच्छा है। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये रिव्यू पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा है आपको मेरा रिव्यू और आप हेल्पफुल हुआ है अगर मेरा रिव्यू, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और आपको आपके पास भी अगर ये वाला पाउडर है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कैसा लगा है आपको मेरा रिव्यू वो भी मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ऐसे ही बहुत सारी इनसे मैं DIYs भी आप लोगों के लिए शेयर करने वाली हूँ, बहुत सारी DIYs जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप भी बहुत सारे DIYs देखना चाहते हैं, अपने फेस को नेचुरल तरीके से बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए, रिव्यू प्लस DIYs देखने के लिए। मिलूंगी तो आपसे एक नई वीडियो के साथ, आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय।